हेलो हेलो हेलो। आज मैं अपनी माँ देवी की मंदिर में चला हूँ। सात माँ छह छह आठ माँ जो भी लोग कहा ये सोना सिंह शादी करते गया, लेकिन आज तक भगवान हमें एक संतान नहीं दिए। छह छह महरानियां रहते हुए ये सोनापुर शहर उदासी उदास है। आज चलकर अपनी माँ देवी से अपना दुखड़ा सुनाता हूँ। हे माँ देवी बेटा, बचपन से लेकर आज तक ये सोना सिंह तुम्हें पूजा करते आया है, और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी ये आपके पूजा करते रहूंगा। लेकिन हे माँ, मैं अपने मुसीबत लेकर ये मंदिर तक आया हूँ। आज अंतिम बार है अपना कुछ दुखड़ा सुनाने के लिए आया हूँ। ठीक है बेटा, सुनाओ बेटा क्या कहना चाहती हैं। Thank you.
कैसे धीरे धरू तू आजूदी रिजबान बे तारे तो हरोर तू खाबा हरिए ले बहु आजूदी नबो जबान देवी सोनपुर करिया हेरा सोनपुर नगरिया हेरा नहीं रहा गोदी के मैया पैया तोर पर है देवी कैसे चलते सोनपुर माओ घर में छह छह मेहरानी रहते हुए ये 14 कोस की राव सोनापुर शहर किस काम की है माँ भगवान हमें आज तक एक संतान नहीं दिए हे देवी इसलिए मैं ये तुम्हारी मंदिर तक आया हूँ हे माता इसके लिए कोई रास्ता तू ही बता सकती हो माँ बेटा हाँ माँ एक बालक चलते हमें पास आए हैं हाँ माँ तू जगत जननी है संसार की माता है हे माँ ये दुखरा तुमसे ना सुनाऊं तो और किसे सुनाऊंगा ठीक है बेटा यहां से चली जाओ काशीपुर नरेश पंडा के पास अच्छा यहां से चली जाओ काशीपुर नरेश पंडा के पास नरेश पंडा के पास जा करके पत्रा उल्टावा करके अपना पत्रा दिखाओ वही तुम्हें सारे हाल बता देगा बेटा अच्छा यानी काशी भेजकर नरेश पंडा को बुलवाऊं हाँ बेटा और नरेश पंडा से अपना बारे में पत्र दिखवाऊं पत्रा में क्या लिखता है वही बताएंगे वही बताएगा बेटा ठीक है माता अब हे माँ बोलो बेटा अपने मंदिर को प्रस्थान करो मैं अपने द्वारपाल को जुल्मी सिंह को भेजकर और नरेश पंडा को बुलवाता हूँ ठीक है बेटा खुश रहो द्वारपाल खुश रहो द्वारपाल अभी अभी मैं माँ देवी की मंदिर से आया हूँ द्वारपाल जानते हो कि मैं हर हमेशा चिंतित में रहता हूँ क्योंकि मैं यही सोचता रहता हूँ कि हमें अंत होने की बात ये 14 कोस की राह सोनापुर शहर का मालिक कौन बनेगा हाँ महाराज अब एक बच्चे के लिए एक शादी नहीं दो शादी नहीं बल्कि छह छह शादी की है हाँ द्वारपाल लेकिन भगवान ने एक संतान नहीं हुआ इसलिए 14 कोस के सोनापुर जो राज है सुना कान लगा वो किस काम का कोई काम का नहीं द्वारपाल तो यहाँ से तू जाओ और काशी जाकर एक नरेश पंडा नाम का है उनको बुला कर लिया जय श्री जाओ जब से पंडा के ठंडा और लगे लगल तब से अंडा के भाव गरम हो गए से अंडा के भाव
अरे फैशन में बुढ़िया जवन की से आगे जवन की से फैशन में बुढ़िया जवन की से आगे जवन की से आगे जब से बुढ़िया लिपस्टिक लगावे लगली जब से बुढ़िया लिपस्टिक लगावे लगली तब से बुढ़वा के नाका पर तब आ गई तब से बुढ़वा के नाका पर तब आ गई हेलो परले परी जोर हो अब परले परी जोर हम तकासी के पन्ना परले परी जोर हम तकासी के परिजोर हो पढ़ल परिजो हम तकासी के पन पढ़ल परिजो हम तकासी के पन चलते हैं रास्ता में हम देखते हैं कोई आज जजमान नहीं हो गई ना भर हो गई ना भर हो गइल भोर हो गइल भोर हो गइल भोर हो गइल हम तो सोनापुर के धाम हो गइल भोर हम तो सोनापुर के धाम नसवाज कहीं के दिमाग कम नहीं करता है तुमको न तू नसबाज इधर बात करो वो सब तो अलग नसबाज है तू नसबाज है कहाँ से आ गया रे बीच में ओरिजिनल नसबाज नहीं हम टीवी नसबाज है टीवी नसबाज है सुनो तू कहाँ चला हाँ कहाँ चले हैं मुझे काशी जाना है जहाँ की नरेश पंडा रहा करते हैं उनसे मिलकर मिलना बहुत जरूरी है नरेश पंडा को है जरा हम लोग तो काशी पहुंच चुके हैं लेकिन बताइए नरेश पंडा का घर कौन है अरे नरेश पंडा का घर नहीं जाना है नरेश पंडा आपको रास्ता में ही मिल गया तू ही नरेश पंडा हाँ मैं ही नरेश पंडा बोले पंडुक जी अरे चट्टा कह के पंडुक जी ने पंडित जी सुनो बात क्या है सब बताओ बात क्या है जो सोनापुर के रहने वाले सोना सिंह जो है वो शीघ्र आपको याद किए हैं और आपको बुलाने के लिए मैं आया ठीक है तुम चलो अगर हमारे महाराज खबर के कर दिए हैं सोनापुर को राजा खबर किए हैं तो हम जाने के लिए तैयारी बिल्कुल वाह करब पढ़ाई नू करब सगाई हो आउठ में लगैलू अठलनी भैया के साली उठ में लगैलू अठलनी भैया के साली प्रणाम महाराज खुश रहो द्वारपाल मैं काशीपुर गया और
नरेश पंडा से चलके मुलाकात हुई। अच्छा, बातचीत किए और बातचीत करने के बाद स्वयं साथ साथ पंडित जी को लेके आए हैं। वो है कहाँ? कहाँ छोड़कर? दरवाजे पर छोड़ दिए हैं। दरवाजे पर जी, क्या उनको इज्जत की साथ बुला कर ले आओ। आइए पंडित जी। महाराज, पंडित जी से मिला था। पंडित जी महाराज, मैं काशी से ये सोनापुर शहर में क्यों बुलवाया हूं आप जानना चाहते हैं? जब तक मैं ना कहूं फिर आप समझेंगे कैसे? एक संतान की कारण मैंने छह शादी किया, लेकिन अभी ये सोनापुर शहर सुना ही सुना लग रहा है, इसलिए मैंने काशी से ये सोनापुर शहर में आपको बुलवाया हूं। हे पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, बतिया हो सो रसी मन जावा लेता हो आज, मन जावा लेता हो आज, सारा भेद हो ते मैं तोरा बा महाराज मेरे पास में आए। ये सोनापुर में आपको ये 14 कोस के राज में एक भी संतान नहीं हुआ। हाँ पंडित जी महाराज, मेरे पास में आए पत्र देखने के लिए। देखिए ये पत्र में क्या लिखता है, यह संतान होगा या नहीं बताइए। हाँ होगा, होगा आपको पुत्र होगा, जरूर होगा। सुने, आपको पुत्र होगा, अवश्य होगा, लेकिन मैं क्या कहूं ना कहूं आपसे। हे महाराज, आपको राज में है, ये 14 कोस के राज में आपको ही राज में है। मां बोलते जाइए पंडित जी महाराज, ये संतान कैसे होगा मैं जानना चाहता हूं। अगर तू गुजरे करता गया तू
आपको 14 कोस में हम आपको रह रहे हैं, हम एक पंडित हैं आप ही को राज में, लेकिन आप सातवा शादी जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको लड़का संतान नहीं हो। ठीक है, ये सातवा शादी करने की बात हमें एक संतान होगा। हाँ, इसका कौन विश्वास करता है? क्योंकि मैं एक संतान के कारण एक शादी, कौन कहता है? छे छे महारानी घर में है, छे छे शादी किया मैंने, आप फिर कहते हैं सातवां शादी करने के लिए? इस पर कौन विश्वास है कि सातवां शादी करने के बाद संतान होगा या नहीं होगा? महाराज, यदि पंडित जी कहते हैं तो पंडित जी का भी बात रखना जरूरी है। ऐसा करते हैं जो जब तक यह 14 कोस की रात सोनापुर है, सोनापुर में एक लड़का का जन्म नहीं हो जाता है तब तक पंडित जी को हम पैखाना घर में बंद कर। हरम ज्यादा कहीं का कैद खाने में बंद कर दो। बेहुदा कहीं के कहता है पैखाना घर में बंद कर दो। मालिक बोलो, हमारा पंडित जी बहुत गरीब परिवार के, पैर में चप्पल और नहीं रहता है। पंडित जी गरीब परिवार का है, बहुत गरीब है, विप्र ब्राह्मण है। चलिए पंडित जी, पहले हम जूता किन देते हैं। जाओ पंडित जी को कैद खाना में रख देते। जाओ ले जाओ, जब तक संतान ना हो जाए सोनापुर शहर में तब तक के पंडित जी को फुर्सत नहीं देना है। द्वारपाल खाना के मेने गेट पर गए को खिड़की खोल दी। हरम ज्यादा कहीं के बोलो, एगो बात कहूं, शादी करे से पहले हमरा जे राय विचार है से कह दई छी। क्या? जे छे छे परिवार है, सबसे सलाह विचार ले लूं तो बियाह अगर चुप्पे कर को ले भाई ते एगो मुंह फुला कोने जातन, एगो मुंह फुला कोने जातन, एगो ने बढ़ते एगो ने घर बर्बाद हो जा। बिल्कुल ठीक कहा द्वारपाल, अगर घर में मनुष्य ना दिखाई दे तो लोग दीवार से भी राय लिया करता है। ना होते तो स्कॉर्पियो से सलाह विचार ले ले भाई। तो ठीक है, जाओ घर में 6 महारानी है उसे बुला कर लो। जाओ हे बड़की मालकिनी, छोटकी मालकिनी, संजली मछली है। अरे क्या हुआ दरबारी? खुश रहो दरबारी, क्या बात है? हाँ 600 तो ना आ रही है। दरबारी क्या बात है? हाय खुश रहो, बोलो। सौतन चाय किस लिए हमको दरबारी बुलाए? दरबारी मैं इसलिए बुलाने के लिए आया हूँ जो महाराज स्वयं बंगले पर
छह महारानी को बुला रहे हैं, अब मेरे साथ चलिए और महाराज से चल के मुलाकात कीजिए। ठीक है चलिए। स्वामी जी को चरणों में सादर डंडे पर नाम, स्वामी जी को चरणों में सादर दंड प्रणाम, खुशी बस दीजिए स्वामी मुझको आशीर्वाद, तो खुश ना हो आबाद ना हो चाहे ना हो तू बीमार, खुश रहो आबाद रहो चाहे रहो तू बीमार, हम यहाँ से जाते हैं मालिक दीजिए दू बोतल का, ज्यादा कहिएगा। ये बताओ ये महरानी हमारी है या तुम्हारी, ये हमें प्रणाम की और तू ही बीच में खुश रहो आबाद रहो, मैं यहाँ से जाता हूँ चाहे रहो बीमार मैं यहाँ से जाता हूँ, लाइए तारी के हरम ज्यादा कहेंगे। मालिक हम अपने से तारी के दाम नहीं मंगत रही, तो हमारा घर में लगन है बुझली आए, अच्छा हमारा घर वाली के फाटल चिटल है यारे वस्त्र कपड़ा, हम साया साड़ी ब्लाउज के दाम मंगत रही आए, अच्छा ऐसी बात है अपने कहने जे जाओ मलकिनी से मांग ले कि इनका से मंगई तो हरान लेकिन एक को दिन नहीं देलकी। ए हरम ज्यादा उल्टी सीधी बात करे, हरम ज्यादा इतना मार मारूंगा ना स्वामी जी। हां महरानी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है बोलो क्या कहना चाहती है। आओ काहे ना रानिया के स्वामी जी, चाचा पाटा रानिया के स्वामी जी, से करो हो हालिया दीता हो स्वामी बतलाइए डारे हो तोरो इनके पति हो डारे मेरो, ये तने जे रहा नहीं हो स्वामी जी हमरा से आराजिया हो स्वामी जी, हमरा से पिलतिया हो स्वामी जी, साही हलिया हो तीता हो स्वामी बदलाइए डरे मेरो। महरानी बोलिए, ये कचहरी पर बुलाने का कारण है कि घर में छह छह महरानी रहते हुए आज तक भगवान एक भी संतान न दिए। प्रिय सही बात थी, मैं हर हमेशा सोचते रहता हूँ
कि हमें अंत होने की बात, ये 14 कोस की रात शोरापुर शहर है, इसका मालिक कौन बनेगा? बोलिए स्वामी जी। मैंने काशी भेजकर द्वारपाल को, काशी को पंडा को बुलाया। अच्छा, तो वह पंडित जी महाराज कहते हैं कि महाराज यह आपके संतान होगा, लेकिन सातवां शादी करने की बात। क्या? सातवां शादी करने के बाद? हाँ महारानी। हे भगवान, स्वामी जी बोलो, आपको दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बताइए, छह छह रानी रहते हुए आप सातवां शादी करेंगे? हाँ प्रिय, अगर सातवां शादी करने की बात अगर एक संतान होता है तो कम से कम यही सोनापुर शहर के मालिक तो बन सकता है ना महाराज। बोलो, आप एक बच्चा के लिए एक शादी ना, दो शादी, तीन शादी, चार पांच छह किए। हाँ, तने हमरा बोले के मौका दी हूँ। बिल्कुल बोलो बोलो। हम एगो बात कम नहीं मैंने बात कह। अरे बोलो, इजाजत है? बोलो, इजाजत है ना? हाँ है। मलकिनी। अरे बोलो तुम्हारी क्या बात है? कहे जी जे एगो बच्चा अगर अपने दे देती रे मालिक के, तो दूसरा करना जरूरी रहा है? नहीं, लेकिन हमसे नहीं होगा। एक काम करो, होता है। अरे केना होगा? हे तोरा तो होते, ये तो ना होते जे मुर्गी जगती तू लाइन लगा देव हो। रास्ता है अपने के लिए, चले छी मोहनपुर मवेशी अस्पताल है, बुझली ना? वो मवेशी अस्पताल में ले चला, रउआ के हम सफैया करा दे नीचे से ऊपर तक। अरे कितनो सफैया कराएगा, हमको नहीं होगा बालक। देखिए ना होता, ऐसे सफैया करा दे, बुझली? नीतिशबा के पास सहवाल वाला शिवन है। नीतिशबा के कहा है? बात उखड़ जा रे, ओकरे ओहे लखै छी सहवाल वाला शिवन, ओहे शिवन अपने के डलात ना, तो बच्चा जरूर होता। दरबारी आ तो नीतिशबा शादी करके चले ले ना, तो हम जरूर जेबे ओकरा घर पर। ए सौतन, क्या हुआ द्वारपाल, समझा दिया? ए छो सौतन, सौतन क्या है? देखिए स्वामी जी सातवां शादी करने के लिए जा रहे हैं, क्या सातवां शादी मंजूर है? नहीं, मैं स्वामी जी के पहले मैं समझाती हूँ, उसके बाद मैं छो सौतन विचार करेंगे। ठीक स्वामी जी। बोलो महारानी। मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ, आप, आपको पास में छे छे रानी है। हाँ प्रिय, सबको बारी बारी से आप पूछिए। नहीं, तू जाओ, छे सौतन है, तू आपस में विचार करके जो तू लोग राय देगी मैं वही करूंगा, जाओ विचार कर। सौतन आहे, सौतन सही नहीं भाई, इना भाई बोला बरा तब बुझाई छा। हाँ हे स्वामी जी के खोपरी की गरम हो गई है। आहे पता ना, आहे छौ छौ गो के रहते हुए बताओ सके बच्चा न देलखिन भगवान, आ सतमा शादी करतथिन त उनका बच्चा हो जतै हे। बड़ी मलकिनी अपने तो समझदार हकिए, अगर सतमा शादी करे से अगर एक बाल गोपाल हो जाता था, आप भी तो बच्चे की माँ कहलाएगी। ये बात तो सही है, अकई नहीं होगा तो अपने बच्चा के माँ कहा भाई की ना? दरबारी दरबारी छोटकी से पूछो ना जो होगा कि नहीं। केने गेल हो बौढ़ा गोरी, तोरा से होता ना सबके मोहरे लागल। ओ सुन ना हो, छोटकी जे हथिन ना हिनका ना लेडीज वाला आवाज कला पूछे छ तू। सुनो सुल्तान, लेट नहीं करो, चलो हम लोग स्वामी जी से पूछते हैं। सुनो सुल्तान,
आपको विचार है? आपको जो मर्जी। इधर आवा, तोरा विचार है सतन? ये सोहरती वाली बोला ना। हाय दीदी, ठीक है तो स्वामी जी कह दो। हे हे, कहीं मजाक करो छोटी, उनका दे दे छिए इजाजत, कहीं कहीं झूठो के कहो तो दे, थोड़ी शादी को चलत थी नहीं? ठीक है स्वामी जी। हाँ महारानी, क्या हुआ? तो लोग वापस में विचार कर ली? हाँ। क्या विचार है? क्या इजाजत है, मैं शादी कर सकता हूँ? हाँ सुनिए, मैं सुनाती हूँ। बोलो। करीता हो स्वामी जी सतमा पी याबा हो स्वामी जी सतमा पी याबा हो स्वामी जी चाओ सतन हो तेही लो तोरा हो सामी रे स्वामी जी, मैं छाओ सतन में विचार करके मैं आपको इजाजत दे दिया हूँ। ठीक है, तुम लोगों की इजाजत है तो मैं शायद मैं शादी करूंगा। ठीक है, बार अब महरानी जा सकती है। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। द्वारपाल याज के क्रोध से जुलमी सिंह लापता है, वह समय से ड्यूटी पर नहीं आते हैं। हमारे सिपाही जुलमी सिंह को बुला कर लियो जी, क्योंकि अब जो काम है उन्हीं को मार्फत किया जाएगा। बहुत सुंदर बात है। ठीक है, जाओ बुला कर ले आओ। हो जल्दी से गवना करा ला, आहो खतारे ले अंदा तो नई हारवे मेरा जहो, ना तो नई हारवे मेरा जहो, टूटी जाई के नई हर मेरा जहो, टूटी जाई गे हो जल दिस गवाना हो जल दिस गवाना नई हर मेरा जहो, नई हर मेरा जहो रही जाई पेट न तो नहीं हरवे मेरा जहो, रही जाई पेट न तो नहीं हरवे मेरा जहो, रही जाई पेट। प्रणाम महाराज। खुश रहो, क्या बात है महाराज?
आज कैकड़ों से आप ड्यूटी पर नहीं जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ गया महाराज। अच्छा, आपको स्वयं बुला रहे हैं क्या महाराज? जी ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। आइए। प्रणाम महाराज। बस जुलमी सिंह आ चुके हैं। दर पहल जाकर फिर अपना काम देखो। मैं जुलमी सिंह से दो चार बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर कचहरी पर आऊंगा। जाओ। प्रणाम महाराज। खुश रहिए जुलमी सिंह। जुलमी सिंह आप कैक रोज से समय से ड्यूटी पर ना आते हैं, बात क्या है? महाराज मुझे तो इस राज को कारोबार संभालना मेरा ही काम है ना। हाँ हाँ, तो काम आ जाता है तो फिर आपके पास आएंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है जुलमी सिंह। यार मैं आपको क्यों बुलाया हूँ, क्या काम है आप जानना चाहते हैं? आखिर जब तक ना कहेंगे आप तो मैं समझूंगा कैसे? ठीक है। यानी महाराज आपका कहना होता है हाँ जो मैं सात माह शादी करूंगा। जुलमी सिंह एक संतान के बिना ये सूरपुर शहर सूना ही सूना लग रहा है। अच्छा, मैंने काशी भेज कर द्वारपाल को और काशी का पंडा को बुलवाया। ठीक है महाराज। वह नरेश पंडा आने के बाद वह कहे कि महाराज आपको संतान होगा, लेकिन साथ में शादी करने की बात
और माँ देवी की मंदिर में मैंने पूजा करने के लिए गया। ओ माँ देवी भी यही कही कि बेटे घर बनाओ नहीं संतान होगा, लेकिन ये पंडित जी महाराज कहे कि महाराज शादी करने की बात आपको संतान होगा, लेकिन लड़की कैसी होनी चाहिए जो भीख दुख मांग कर खाती होगी और फूट फाड़ पर अपने समय को व्यतीत करती होगी और जिसके शरीर पर वस्त्र ना होगा, जिसके शरीर पर वस्त्र ना होगा। यानी आपका कहना है जो गरीब घर की लड़की होनी चाहिए, भीख दुख मांग के खाती होगी, फूट फाट पर सोती होगी, हाँ, और शरीर पर वस्त्र ना होगी, ऐसी लड़की चाहिए। हाँ तो जुलमी सिंह आप जाइए और ऐसी लड़की ढूंढ कर लाइए। ठीक है महाराज, जैसे आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं कचहरी पर जा रहा हूँ। अगर लड़की को पता चल जाए तो स्वयं यहाँ तक वह लड़की को बुला कर लाइए। ठीक है, आप जाइए। दर्द मुहाबत दर्द जुदाई उस पे सितम तन्हाई है, दर्द मुहाबत दर्द जुदाई उस पे सितम तन्हाई। ओ जान बाले लाट के याचा, ओ जान बाले लाट के याचा, जाम लबो पर आतो हरे असुमारा के न मैया हे, चढ़लिया खराबा न मैया हे, मैया है आज दीना है रहता है हमरो परता आइयो न रे मेरे, तोहरे गिनतिया है मैया नाम तोहरे जपावे है कई, नाम तोहरे जपावे है कई, आज रहता है हमारो बरसा हरियो नारे, पानी बिना हमरा जब परान जाई छौआ तू कोथी करै छे गे बाबू बाबू हो दाई की भेला तोरा गे, पानी बिना के टोटी उठी न होइए बाबू हो, गांव में कल है सामने में देखो न है नलका गे, न हो तो तू हमरा चिलौठियो में का पानी पियो न गे बाबू, तोरा बाबू बहुत प्यास लागला के हमरा अब हमरा प्राण नीचा से ऊपर जा रहल हुआ। अच्छा बाबू ठीक है,
चलन हम तोरा पानियो पिया देब। अच्छा चल दाई। हाँ बेटी ढील ढील। हाँ हो बाबू। आगे गाँव कितना दूर है गे बाबू? चलन बस आ गलिए थोड़े दुरारो बचल है। बेटी ढील ढील। हाँ खाहू बेगर हमरा पंजरा पंजरा सोट बाबू तेरा भूखो लग गल। हाँ हाँ बहुत जोर से। हाँ चल तेना चल झटक के न होते तो हमरा खियाब पहिले। अमांगे चांगे अखियाई बाईन बाबू तोरा भिख बन बाबू हो बाबू भीख दुखी मांगबे हो करबै भीख दुखी मांगबे हो करबै कराई देबै हो बाबू। तू बैठा नहीं यहाँ हम जाइए मांग के तोरा खिया देब। हाँ बेटी ढील ढील। अब हमारा बोलाई उलाई नहीं हो प्राण जत ना हो बाबू। तू मर जबो तो हमारा कोई देखे वाला कोई नहीं सहारा होत घाट है सुन ले मर जब तो भाई हूँ ना तोरे पर मांग चांगल ना हो बाबू। ये बात कथिल बोले हमारा कोई ना है तू ही हमर सहारा जिंदगी छो अगर तोरा कुछ हो जाते तो गांव समाज के लोग हमारा कोई ना ही देखते। बेटी ढील ढील। आई आई घाट जे है ए सरारी घाट से आई एको गो न देख लिया लेकिन आई हम चल देब। नहीं हो बाबू तू बैठो ना चिंता नहीं करा ना हमें सब से जाए भीख मांग के तोरा खिया देब हमें। हम जब रहली ना बाबू पाँच दस रुपया हो भैया पाँच दस रुपया हो भैया कराई देबै हो सुंदर हो जन्म ना
जनमा हो बाबू भिख दुखी मंगबे हो कबे भिख दुखी मंगबे हो करबे कराई दे भाई हो सुंदर हो जनम रे बाबू बाबू हो बाबू तू बोले छो ना बाबू हो तू बोलो ना हो नहीं बोले छे तमर जिया से अति हो इच्छा आई जवा अगली आई ना बाबू हो तोहर के पसबान कुछ कुछ नहीं बोले छो तो हमरा के ना दुनु हो इच्छा बाबू हो तू खड़ा होके बोलो ना हो बाबू आ गलिया ल आना बाबू पैसा मांग के लिया हन खेबो ना किन दिया कुछो आय तो बाबू कथी किन दिया बाबू हो है तो कोने छौरा हमरा हुलकी मारे कथी दुन को यो है ये छौरा एगो ठारा से कोना दुन को रे यो जे कन्ने हम जाई गे हा बे बे छौरा सामने कोनी छौरा ए तू हुलुक बुलुक कहे हमरा करता है गरीब को बच्ची के रे गरीब के बच्ची हाँ सला बुढ़वा के बेटी है कि बहू है ए हे गे गोर की हे गे पतर की बुढ़वा मिलौ भतार गे हे गे गोर की हे गे पतर की बुढ़वा मिलौ भतार गे बंगला पर रोज रोज तोरा सुतल कौ तोहर जवानी बेकार हे गे गोर की हे गे पतर की बुढ़वा मिलौ भतार गे हे गे गोर की हे गे पतर की
जो जिस तरह की हम लोग लड़की ढूंढ रहे थे उसी तरह लड़की सामने खड़ी है, ना उसको देह पर वस्त्र है, हमरा देर चलवे ना तो ऊपर नीचा ऊपर जाए छे नीचा बैठ छे बाबू हो इचौरा कह के हमरा केला बारी में जाय ले कन्ने हो गए तन बता बता ना ए एहन सोटा मारबै जे ददरा नौ करते जकरा अरे कन्ने दे रे हां हेने आबा आओ तोहर कनिया रह की श्राद्ध को देबो तोरा भेंट न हो हमरा से रे अरे कन्या है रे हमरा बेटी है गरीब दास के रे बेटी है हाँ आही रे तो हम कह की जे बुढ़वा होन है ए तोरा बोले उने ना बोल आप मैया चश्मा चाहिए तोरा दूगू शहूर का बातचीत करिए सुरदा जी इधर आइए इधर आइए आप ये जो लड़की है कौन है ए मेरा बच्ची है बच्ची है हाँ हाँ अच्छा ये बताइए आप शादीशुदा इसको कर चुके हैं जी नहीं नहीं किया अरे भाई हम तो गरीब आदमी है ये आधार हमारा है ये मांगू को बहु भैया से ला का पावर खिलाता है ठीक बात है अच्छा बात है रिया साहब समझा दिया उन्हें तो मार भाई लाठी से ददरा न करता हूँ इसको शादी कीजिएगा आप सरकार तबे बुढ़वा के ने फंसा कर रखा तब स्कॉर्पियो लग ले ओकरा हम लेके भाग ना बे हो जाते हे देखू दुनिया गरीब हती त इज्जत प्रतिष्ठा से बहु या कर से मांग का काई छी आई बड़ा जबरदस्ती बोले छै एहन मार न मार बहु सुनिए 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 आप इस बच्ची को शादी कीजिएगा सरकार हमारे पास में पैसा नहीं कौड़ी नहीं कहाँ हम खिलावेंगे कहाँ बैठावेंगे गरीब आदमी आपको अगर हम मंगनी शादी करा देंगे तब क्या दिक्कत कोई दिक्कत न बाबू कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत तो हर दुन्ने चूल्ही जार का हम बियाह करा दो बेटी के आओ महाराज बोलिए ये बोलिए हमेशा तमीज सारा काम तुम खराब कर देगा कोनो गलत कर दे दुन्नो चूल्ही जार का हम अपने खर्चा के से ए बहुत तो लाइन से बताओ तो बताता है हुनकर चूल्ही न जरावे के हम अपन दुन्नो चूल्ही जार का उनका बेटी के पिता खान से समझा के कहो के तब न रे देखो सुरता थी हां आपको एक पैसा खर्च मैं ना होने दूंगा अच्छा ठीक है आपको मंगनी शादी हम करा देंगे मंगनी हम मंगनी आपको बच्ची को ओ शादी कर देब या हमरा कोन आधार है यो उसी राज में आप भी रहिएगा हाँ वही राज में हमरो रहना है हाँ आपको भी रहना होगा वही अच्छा अच्छा ठीक है बहुत पसंद की बात ये बात तो आप नहीं जानते हैं तो कहाँ आपको शादी कराएंगे से नहीं मेरा पहचान तो नहीं मेरे महाराज सोना सिंह जिनको 14 कोस का राज सोनापुर से आ रहा है क्या 14 कोस का राज है 14 कोस का राज है ओ सरारी से हुआ बड़ैला तक हाँ हाँ
बहुत अच्छा। उन्हीं के साथ आपको सुपुत्री को मैं शादी करवाऊंगा। एक महाराज बहुत सुंदर तो ठीक है, कहाँ अंग लग जाएगा, जोर जवान लड़की है आई करने के हमेशा के लिए ढकेल के मार दो। कम से कम दामाद के सलामी में दे देती घोड़ी बाबू। उमर दावा के रहा गेदाई है आए रास्ता में हरेक आदमी बोले छे के ना हूं बोला ही ओकर बात के ना थी। सुरदा जी आप ऐसा कीजिए, मैं तो आपको शादी करवा दूंगा बच्ची को, थोड़ा एक बात समझ लीजिए। लड़का को थोड़ा सा बताइए, हम आपको दिखा देंगे लड़का, लेकिन लेकिन आप अपने पुत्री से पूछ लीजिए शादी करेंगे। हाँ बाबू। बेटी टिल्ठी बाबू हो की कह रहा मर्दाबा तुम्हारा खोल के किए नहीं बोले छो बजाई छी अब सुन ना के तू दल के टेढ़ रही छे भी। हाँ हमरा तंग करैया तोरा देख कया जाएगे बेटी टिल्ठी बोला ना बाबू। हे अपना 14 कोस के राज है जलो। हाँ। लड़का बड़ी सुंदर है, ओ लड़का के हम अपने से देख लेम टेढ़ रोता आँख ना टोटा तो करते देख बाबू। तू लड़का देख लो हाँ? मर्दा बा ये केहन एकटा गो बढ़ गेलै अकिल गया नौ गे बाबू। हमरा मर्दावा से कि मौगी से बियाह करा देबो कहू तो गे ये ना हूँ लोग बोले छे गे। हाँ बाबू शादी तोरा करा कह देबो ना तो दिया बाबू। हमें बिया नहीं करब तू ही कह ले हम ना करब बिया हम ना गे बउआ। बाबा आँख उख ठीके कहै छो घर के सामान तोरा घरे में रह जतो। हो बाबू हमरा मर्दावा से बिया नहीं करा दे हमरा मौगी से करा दे हम ना करब मर्दावा से बिया। अगर केहन तो हरक किल ज्ञान हो गेल हो गे धान से चाउर हो गेले आ तैयो कहती मर्दावा से न करबी। आय बाबू उ कहती भी कह है एत तो लमका लमका सामने देखो ता आगे दुकान है दुकान उ दुकान है। सुरदा जी जी आपका बच्चिया भी नादान है ठीक है ना। हाँ उसको जो समझ में आता है वही बोलेगी वो अकिल ज्ञान न है सरकार ठीक है ना। आप ऐसा कीजिए या आप मेरे साथ चलिए मैं आपको शादी करा दूंगा बच्ची को और आपका बच्ची 14 कोस का महारानी बन जाएगी। ठीक महाराज तो हम कहाँ जाएंगे लड़का को बुलाइए हाँ देख ले ठीक है मैं ले चलता हूँ। मेरे साथ चलिए आप आइए अपने लड़का के देखू हम लड़की के दौड़े रहै छी जय बहुदा देखभाल के करते हो ठीक है इसी जगह ठहरो। महाराज एकर खानदान ठीक न बुझाइयो न तोहर खानदान ठीक है एकर खानदान है बिगड़ल आ लाठी लगतै तो एकर समस्या सोच हम मरबै न हम मरबै तो जहाँ तो है लाठी। अच्छा ठीक है घबराइए मत सुरदार जी थोड़ा हंसी मजाक कर लेता है आप लड़का देखने के लिए जाइएगा तो बच्ची के जोड़े ले जाइएगा कि बच्ची के कहीं वो स्थाई धरा दीजिएगा। आजकल जमाना है वो भी देखेगा उसका पसंद होगा तो करेगा आ ओट मोट होगा तो हम नहीं करेंगे। ओ ओट मोट छोटो न करता थी नमरे कर ठीक है महाराज। सुरदा जी आप मेरे साथ चले मैं आपको कहा ले चलता हूँ ठीक है। द्वारपाल तुम चलो अरे सुबह शाम गोरी तोर नाम माँ के जापी हम कायादार से सुबह शाम गोरी तोर नाम माँ के जापी हमर काया हो ये गो दे द मोर पापिया
गो दे मोर पापिया तेरा रहल जवानी दुखात रहल तेरा ओ महरा बहर जवानी आजब है रंग तेरा रहल जवानी दुखात रहल तेरा सुबह शाम गोरी तोहर नाम माँ के जा पिया मरकाया तार से सुबह शाम गोरी तोहर नाम महाराज के चरणों में करोड़ 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 प्रणाम। खुश रहिए जुल्मी सिंह। जुल्मी सिंह, हाँ महाराज, जिस काम से आपको भेजा गया था वह काम हुआ या नहीं? हाँ महाराज, उस काम को मैंने सफल बनाकर ही आया। अच्छा, वो साथ लेकर आए हैं या वही ही है? साथ लेकर आए। ठीक है, वह है कहाँ? बोलो लड़की के पिताजी है या ऐसा कहना चाहिए ना कि लड़की का पिताजी है? कहते कि महाराज लड़की को ले आए। बेहूदा कहीं का महाराज, ये जो सूरदास देख रहे हैं, हाँ हाँ, ये लड़की के पिताजी है। अच्छा, ये सूरदास जी का लड़की है? हाँ, ये कहे जो हमको लड़का दिखा दीजिए कम से कम। अच्छी बात है, तो आँख तो है ये नहीं है, वो क्या देखेंगे? हमें देखेंगे माने हाथ से टोकर कुछ भी देखेंगे, तो आत्म ज्ञान से वो सारा चीज को देख लेती है। सूरदास जी, मैं आपको कहे थे ना, जो मेरे महाराज 14 कोस का राजा हैं, जिनके पास सोनापुर शहर 14 कोस का राज है। ठीक है महाराज, चल के देखा जाए। आई सर, इनके पास नैन तो है नहीं, यही मेरे महाराज हैं, देखें। यही महाराज हैं? ओ की तो है पतरा दुबला हो बाबा, जो खर खर जो है ना, उसे हमारा मालिक के बचपन में चेचक के बीमारी हो गए। ये सुधरने वाला नहीं है, हम ज्यादा कहीं का ने हमको बीमारी है रे। सूरदास जी देखिए, जो खरखर आपको जो लगा, ये राजा का राजसी पोशाक जो होता है उसमें, वो कहता है कि ये चेचक के बीमारी होते है तौर में। नहीं नहीं, वो सब बात नहीं है, वो हरमजादा पागल है, गधा है। ये राजसी पोशाक पहने हुए है, उसमें हीरा मोती सब कुछ लगा हुआ है। बहुत अच्छी की बात है, आप ऊंच नीचा जो गड्ढा रहे उसे झकाल है, बुझला उसे खर खर कर। इनको आप सही ढंग से अपने हाथ, अगर नैन नहीं है तो अपने हाथ से देखे। ठीक है, आपके लड़की राय की लड़का है कि नहीं सो देखिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। लोग कहा है, पुराने जमाने में कहते थे, जो अगर समझ में नहीं आता था तो नाप करके ही ले जाते थे लगी को। हमरो आर के पाने से नाप भेलेगा, तो आपको अगर अनुमान नहीं मिलता है तो नाप लीजिए ये लड़का को और लड़की को भी अपना नाप का। नहीं, आपसी पसंद है।
हाँ जैसा लड़की है वैसा लड़का है महाराज, फिर कहाँ मिलेगा ना मिलेगा। हाँ और विधि व्यवहार से शादी होना है, लेकिन हमारा क्या आधार होगा? सुनिए मैं आपको भी आधार के व्यवस्था कर दूंगा, ठीक ना? छठ मंगनी पट ब्याह कीजिए और विधि व्यवहार के बाद छोड़िए, ठीक ना? दोनों आदमी को, अपने बच्ची को और मेरे महाराज जो है उनको हाथ धराइए और चट शादी हो जाएगी। मौरिया पे नहीं बाबू के विदा कहनी, तू नहीं सुधरेगा रे। रे बेहुदा, शादी हुआ नहीं, अब विदा कर रहा है, शुरू कर दिया। विदा ना करत रही है। ये नहीं सुधरने वाला बेहुदा। हरम दादा मौरी पहनावे कले रले चलती ना मरबा में तब ना होइ देबी। ई हरम दादा ना संदूदान है कुछ है, हाथ धरो लोग के शादी हो गया, अब जो कहना है जा सकते हो। ओ मंगल विष्णु का रूप होंदी कचतनो हरि, ये ब्राह्मण की भी काम कर ले। विष्णु को कचतनो हरि गौरवाल सुनो, ये सुरदास जी को ले जाओ अपने रंगमहल में, इनको अच्छा से नहा धुलाकर अच्छे वस्त्र देकर एक रूम दे दो, ये वहाँ ही खाना खाएंगे और आराम करेंगे, थके हुए हैं। ठीक है, घोड़ा बन है चाहिए ना, हाँ लिट्टी वाला घर में इनका बेहुदा कहीं का। अब जो है ये गरीब नहीं, ये हमारे ससुर जी हुए, इसलिए इनको इज्जत हो। हमर कथी भेलखिन ए बेहुदा कहीं का, तुमको क्या होगा? छोड़ दीजिए, वो नलायक है, गधा है, बेहुदा बेकूफ है। हाँ या इसी बात कहो। सुनिए महाराज, आपको 7 महीने लड़की दान कर चुकी, आपको नगर में हमारा रहना बहुत प्राचुत है, इसलिए हम नहीं रहेंगे। सुनिए हम आप अंधे हैं, आप कहाँ भटकेंगे? जो एक भीख दुख मांग कर खिलाने वाली आपको लड़की थी। कुछ भी नहीं महाराज, ए जाके पेट्रोल पंप पर डेरा दे देंगे, होटल में रहेंगे, अब बाबू भैया के मर्जी होगा, खड़ा टुकड़ी देगा खा करके वही रहेंगे। जे लड़की को हम दान कर दी, आपको राज में कैसे रहेंगे? जहाँ बेटी रहता है कहाँ रह भाई, बेटी का रहो ना अच्छा बात ना हो, दान कर दिया। ठीक है, कम से कम भोजन तो करा दो इनको, अस्ता अच्छा वस्त्र दे करके इनको जगह पर पहुंचा दो। चलो 5 हाथ पहना दे छियो ए हरमजा, तू नहीं सुधरेगा। धोती ना पहनावे, हां तो धोती ना कहता, 5 हाथ पहना देते हैं बेउदा। हाथ वाला पहनावे ए बेउदा, याने फर्ज है इनका धोती पहनाना कि तू पहनाओगे धोती। बाबू लिखर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, जा रही हूँ अकेली संसार से, जा रही हूँ आज संसार से, बाबुल कर दो जन्मे सिंह। शादी तो हो गई, अब इसे घर ले चलना है और 6 महरानी घर में है उसे मिला देना है, महाराज क्योंकि वह सब मिल जुल कर रहेगी, आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है।
ठीक है चलिए। स्वामी जी मेहरानी क्या कुछ कहना चाहती हो? क्यों नहीं, ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है बोलो। कहा तोरा घर बन स्वामी हो, है सुंदरी। हाँ स्वामी जी। सोनपुर गरिया है ला गई, सोनपुर गरिया है ला गई, मोर नाम माई सोना है सिंह का महरानी। ये सात महरानी छह महरानी की नाम सुनकर तूने मुरझाकर गिर गई। क्यों नहीं स्वामी जी, ये आप क्या बोल रही हो? प्रिय जो बात है मैं सच बताना चाहता था कि मैं शादी क्यों किया हूं और ये शादी करने की जरूरत क्या थी। महलिया में रहबे के महलिया में रहबे के कहे लागिए कलियाई साता मागी जहबो
रैया है सुंदरी आज स्वामी जी सोनापुर में रह लई है रानी सोनापुर में रह लई है रानी नहीं भई रही ये कोकरानी लन मोन रे मेहरानी घर में छह छह महरौनी रहते हुए ये भगवान हमें एक भी संतान न दिए एक संतान की कारण मैंने तुम्हारी सास शादी किया हूँ स्वामी जी हाँ। आप पहले छह छह को रानी रखी थी उसको बालक नहीं हुआ तो सतमा शादी की थी हमको बालक होगा आप क्यों शादी कर लिए हमसे ये विश्वास ये हमें है कि तुमसे शादी करने की बात भगवान हमें एक संतान जरूर देंगे स्वामी जी क्या कारण था अच्छे सौतन की शादी हमसे भी की चुकी है और घबराने की कोई बात नहीं है ये भगवान की बात है वो नसीब जैसे लिखते हैं वैसा मनुष्य को झेलना पड़ता है ठीक है स्वामी जी आपको बात को मैं पालन कर आए है चलहू के आए है रंग है सुंदरी माँ जब मी ले भाई न सुंदरी है स्वामी जी और जब लाए भाई नारानी है छा तोरो सौ जब होए तई नरानिया आछावे है रानी से राम राम तुम्हारा नानी आई अहोरा दिन कर सुमारी के ओह दिन कर सुमारी के चढ़ी हो या प्रिय हाँ आओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हें छह महरानी से मुलाकात कराता हूँ ठीक है स्वामी जी जाओ मेरे साथ द्वारपाल कहाँ गया रे जी जाओ घर में छह महरानी है उसे बुला कर लियो हे मलकिनी मैं जाऊं ये बोलने का तबीज नहीं है तुम्हें क्या बात है दरबारी खुश रहो अरे देर लाग रहे हो कि गोर लाग रहे हो वह कहल जान के और कथि कहबो तोरा है गोर लागे देर ना लागे गोर लागे
खुश रहो। और मलकिनी कह रहे अरे अपना महल में थी तो बुला के लावे ना मलकिनी के। अहे सौतन साहब आहे नारधरमपुर वाली आहे सोहरती वाली आहे दरभंगा जिला वाली अब महनार वाली तर नींद खींचाई छे। सौतन क्या बात है? क्या हम लोग को महाराज बुलाए? क्या स्वामी जी बुलाए? हाँ सौतन ठीक है चलो। ठीक है चलो। प्रणाम स्वामी जी। क्या खुश रहो महारानी? क्या हम बुलाए स्वामी जी? चलिए खुश रहो। आज मैं बुलाया हूँ इसका कारण क्या है? ठीक है स्वामी जी। कि तुम लोग सब मिलकर हमें इजाजत दी थी। हाँ स्वामी जी। शादी करने के लिए। अच्छा मैं शादी करके आया हूँ। क्या आप शादी कर लिए? हाँ और हमारे साथ महारानी भी आई है। क्या महारानी? हाँ, मैं तुम्हें सब लोगों से मिलाना चाहता हूँ ताकि सब मिलजुल कर रहोगी अच्छा होगा। हाँ स्वामी जी दिखाइए। मैं दिखाता हूँ द्वारपाल जाओ महारानी को बुला कर लियो। छोटी महारानी है कहाँ? उतनी साफ सुथरा में गेल खिन। अच्छा हाँ बोलो। ये खुशियाली में हमारा मन रह जाएगा रिकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छा है तेरा। बाहरे बाहर हाँ हम मोटकी मलकी नहीं जोड़े डांस कर दो। एक हरम ज्यादा कहीं के कैसी बात कर रहा है तू? आहे सौतन अच्छा ठीक है। अगर यह खुशी में सब महारानी मिलकर अगर नाचना चाहती है तो अति हेलो उरतिया नरानी। हाँ स्वामी जी सोनपुर में अली आई है सुंदरी। सोनपुर में अली आई है रानी। देख रानी छोटकी कैया जुसू रतियो नरे।
महारानी। हाँ सब जी। ये सात माह शादी करके छोटी महारानी को लेकर आया हूँ, अब मिलो इसे और सब मिलजुल कर एक साथ रहोगी अच्छा होगा। ठीक है स्वामीनाथ। प्रिय जाकर अपने छह सातों से मिलो। अगोरा तारा अलग दीदी खुशमाना से देता है हमारो यार तो रास्ते रहा लाइन पर की है क्या बात है। बचनिया नबर की है सच हलिया है बताइली है मझाली तो आइयो नारे खुशी जापा दिल पास सौतन है तोहरा के ते नहीं सौतन है तोहरा के ते नहीं सौतन है चूके चूके रही है सौते आही बात बोला रे मेरो एता ले दे अरतिया है सौते हमारा से रहले है कई नहीं एता ने जे रहबे है कई नहीं चलिए है तोरो आशीर्वाद बोला रे मेरो सौतन। हाँ बोलो सौतन। तुम देखो कैसा है कैसा सूरत है मैं छाओ सौतन मिलकर किसका मुंह देखेंगे। ठीक है सौतन बैठाओ इसे आए पहले तू देखवाओ। नहीं पहले तुहे जाके देखा भर के तुहे ना आता तो मजली बाद में देखता है तू देखवा हो पहले तू आए पहले सोहरती वाली के दिखाने तो ठीक है हमरे दिखाओ मैं ही बड़ी हूँ दिखाओ। हे भगवान आहे की होला है बरकी माये बाई आहे सौतन। बोलो सौतन। हे जी हमरा गोर में रूप है। हाँ हे छोटकी के मुंह में रूप है हे। अरे बाप रे ऐसा बात है। आहे तू ना पतिया छ तू अपना नजरों से जाके देख ला। ठीक है सौतन मैं जाके देखती हूँ अभी तुरंत जाओ। अरे मानार वाली आए आए की कहियो है
जे हमर तरहत में रूपे कर मुंह में रूप ना है ए तू जा पूरा दुनो खाल छुटकल जाए तू जाए अहे इतना सुंदर है आ तू केना दुदु सछु हे बताहो अहे अहे संजली तोरा कथि होला ए अहे जैसे जकरा एकरा सके रूप जकरा एकरा इतना रूप है उतना अपनवार के रूप ना अरे बाप रे बाप की करै छै हे हे तू सा जा कथि का तू सा देखला तू दुनो एके दा देखला हे ना धर परवाली देखा जल्दी देखिया उठा रहे अरे तोरा की हो ना हे हे नया बना तू अगारी हे महानार वाली की बेलो हे अहे हे जे हमरा तरवा जे ई तरवा देखै छ ना ई हां हां जे हमरा ई में रूप ना है ओहनो को रूप ना है ई सुन ना बाप रे बा सौंसे देह में दिनाय है गे माई हे हे तू जा देखगा देखगा ता तू फिर भी आप लोग बोले सुंदर नहीं है चलो इतनी सुंदर है सुनो इधर आओ छाओ सौतन एक रहूंगी ना तो शीशा को मैं तेल लगा को मैं तोड़ूंगी मलकी मलकिनी क्या है कोठी के सोल बोल है दरबारी क्यों तैयारी तू मुंह ना देखवाओ छोटकी के कला ना देखवाओ चला देखला तू तू देखला पैसा हा पैसा मुंह देखौनी पैसो लगता है पैसा लगाई है ई छोड़ा हमरा वजन जे बापूक से है पर ई खाली ने लगल छिड़े मारबे के तवड़ा की दरबारी पाई ना हां शत्रुहन कौन कौन सामान लगते हो लब तो भैया मुँह देखी 10 रुपया हमरा दे दे हाँ इतने में तो हम पटा लेबे मलकिनी के अकारा देबो छारा देबो नाक के बुला की है अकारा देबो छारा देबो नाक के बुला की है गर्दन में गर्दन अकारा देबो छारा देबो नाक के बुला की है बड़की मलकिनी तो कौन उघर थी तब ना देखवाई आए? बेहुदा कहा के बोले के तमीज नहीं है पैसा है उघर थी हम पैसा दे देन देखबेन तुमको बोले नहीं आता है तो बोले ना वही इनकी ऐसे कहो बड़की मलकिनी उसको मुख उघारो मैं मुख देखूंगी इतना जखिन झकल है इतना जखिन झकल है आग झके तुम के ना देखती ई हटत थिन तुम ना देख ओकरे कह छे जे घूंघट उघार त थिन तुम ना देखब अच्छा ठीक है मैं उसको घूंघट उघारती हूं आप देखना ठीक है मालिक कोथी रहता थी ने बात तो सही है हैं उधर आंखें ना हैं आंख नहीं है आंख ना है अजीब लटकल है
पगला गेलखी स्वामी जी पगला गेलखी आँख नहीं उनका है ए, नहीं समझते हो आँख मुन के पर्दा से मुख दिखाता है अन्य की नई नवेली अन्य की तो हमरा से लजाई चीन तब तलाज मलकीने के हम फरवा दे दे लाज कैसे लाज फरवा दे करे तो मालिक के कह का मालिक के कह का कहूँ उघार का बन जाते तो खाते कखन यो गली कुची में तो हमरे न काम पड़ता है कहता थी दरियारी में जब थी कहता तुझे एक बाल्टी पानी भर दे नहाती तखनी हम पिट्ठी में के मैल हम ही छोड़े केना तोरा छोड़बैत रहियो नमर देखो हिनके हम छोड़बैत रहिए अच्छा ठीक है दरबारी मैं इसे पूछूंगी कुछ पूछ लेती हूँ इसे आहे सब तक देख ले वो तो देख लेगा तब फिर से दिखाइयो तब हम उन्ना बला नहीं मानबो छोटी बालकिनी क्या है ए? सुना हाँ बोलिए तुम हमारा मालिक के बुझल ना सब मलकिनी मिल के भिखमंगा बनाई दिल कैसे कैसे अहे तोरा लेल मालिक ओठ पालिश भाव पालिश नाखून पालिश और पालिश अंटी का मंटी का औरंगा गोरंगा ठोरंगा आउडर पाउडर अलेसियर बलेसियर बाप रे अंजी गंजी अहे क्या बोलता है इतना ता बोरा के बोरा पाउडर ना कही पूरा जे मेला में वैसे से केवल मालिक खरीद लै छी ना लगबै त रहै छी अच्छा जे इतना सिंगार करे के बाद हां इतना सिंगार करे के बाद छौ मलकिनी के जे हुनका जे गोर के अंगूठा में जे रूप हैन से तोरा के नहीं ह अरे पदनक पोता इतना सुंदर रखी सब दिन छौ सतन मील का तोरा भोजन कर लिया खिया ओ खिया थी आ गले है नई की उचित बात केकरो कहे के चाहि सुंदर हकिन त सुंदर कहबे खराब हकिन त खराब कहबे तोरा कहे से की मान जाओ तोरा आहे सौतन सुन सौतन मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहती हूँ खैली अगा नगरियो नारे
के नमा भाई दीदी। अच्छा सूरदास रहबे सूरदास रहबे नहीं जानली है पूछ के आज हमें हल बोला रे आहे बोला सुल्तान आहे इस सूरदास के बेटी है ये का जाने है छाओ आहे पटरानी बने अलै आहे आहे पटरानी के ना बन जाता है अब तब बन को चल ले तक के ना बन जो ना है ना सुल्तान आहे तू जाओ ना सरारी में अति खुरपी ले का जाओ कमाईनी करे उधर बनले रानी अब तू की करवा है अपना ये की करवा हो सुनो सुल्तान हमें बात कस के भूख लगी है हाँ सुल्तान इसे खाना बनवाओ कमाईनी वाला बात हाँ और मेरी मालिक तीन चार बीघा में आलू मकोई रोपे लड़की ना चलो थोड़ा कम बैठे कम बैठे तुम कहला है तुम है ना सुनो सुल्तान बोलो सुल्तान हमें कस के भूख लगी है चुटकी से खाना बनवा करके चाहो सुल्तान एक साथ में भोजन करूंगी तब जा करके हमें छाओ सत्र के करेजी ठंडी हो जाएगी हाँ सुल्तान ठीक है सुनो सुल्तान मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बोलिए ना दीदी चाली जाबा जाइता है सौती हाँ मरकी तोहरा सोया है घरा तो आजुरा सोया है घरा सुधारा है भो चलबा है लैता बनाइए नारे मेरो सुल्तान हाँ दीदी जाओ रसोई घर सुंदर भोजन बना के लाओ मैं छाओ सुल्तान एक थाली में बैठ के मैं भोजन करूंगी आई हमारा बड़ा जोर से भूख लगल है सुनिए ना बड़की दीदी क्या है आपको भूख लगी हुई है हाँ हमको भी भूख लग गई है तो जाके खाना बनाओ ना सुनो ना दीदी तुम भी बना के खिलाओ ना हमको हमको भी भूख बड़ी जोर से लग गई है माय गे माय आगे गे सूरदास बक बेटी तोरा खाना बनावे ना आवे छौ दीदी मैं खाना बनाने के हाल जानबे नहीं की इतनी आहा त खाना बनावे हाल ना जे छोरा सके पटा के हाल जानै छी नाना सुन तो हम देखा बचे तोरा हेलो मर जाते तो फंस न जाए भी नहीं जापा बचता ना सा है
लाती बलिता आ तू है सुंदर भोजना बोला रे मेरू नहीं जवा बाप मैं कहते सीखल कर तोरा के हम राजू खाना माना दी मांग चांगी है खेली आई गाँव के ना कहियो मेरे नहीं जानली है भोजन के आजू जीना हलियो मारे हेलो सुनो इधर आओ बाप रे बाप भोजन बनाने नहीं आती है पटरानी बनने आई है ए सुरदसवक बेटी यहाँ 14 कोस के राज देख पटरानी बने रहे चुपचाप जाकर के रसोई घर में जाकर भोजन बनाता है छोड़ दे समझ नहीं रहा ए दरबारी सुनो इधर आओ इसके इसको छुटकी के ले जाओ रसोई घर दिखा दो कहाँ कौन सामान रखा है भोजन बनाने का इसे सब बता दो जैसा भी भोजन बना के लाएगी ना मैं 600 तन मिल करके प्रेम से भोजन करूंगी हमरा बड़ा भूख लागल है ए चलो सुनो दरबारी के साथ ले जाओ और भोजन बना कर खिलाओ दीदी हम ही भोजन बनाने के लिए कर रही हूँ मुझे भोजन बने भी नहीं कभी की मैं कैसे बनाऊंगी अपने चिंता नहीं करूँ अपने चिंता नहीं करूँ खाना ना बनाबी तो लाठी चल तो लाठी जाना छी ना हमरा बरकी दीदी इधर सुनो ना ये कौन है तोर माय हतियो माय तोरा से बड़ हतियो दीदी क्या है यो तो लग रही कि दुरानी है कहीं का अरे थोड़ा से कम में आया जुदीना अब नहीं बहन स्वामी हो सुंदर जन मान स्वामी
बाबा मानली है छोटकी तोहरोबा जनिया है बड़की तोहरोबा जनिया है मझली बनाई दे भाई है सुंदर दरबारी हाँ हम तो देख लिए जितना छोर सब दिन अपने के मारपीट कर सब बात हम मालिक के जाकर कह देवे दरबारी इलिए बुझा रहे कि मेरी स्वामी जी गंजन कराने के लिए लाई थी क्या हम तो वह कहबे जब इन्हें ना कल खींच छो के अपने पीटता थी ठीक है दरबारी कोई तो है नहीं सहारा ऐसे दरबारी सुनो तुम जो कर रहे हैं करने दीजिए ना हम है ना वो सब कहनो है तो अपना घर को आदमी है सब बड़ी दीदी छोटी दीदी मझली दीदी सभी है उन लोग को शिकायत नहीं करना है माने इतना मार पीटा गंजन कर छु तो तू कछु जे कुतवा कुछो के तो हमरा से बड़ हकी पागल है ए सुन हां तो खाना तो कहियो तू नहीं बनल हो हम तो बनबल छी हां करबे की काम हां जे आटा सन ले भाई हां बुझला हो गोर से सन भाई गोर से तरबर पागल हो गई है दिमाग नहीं है गोर से नहीं सनी जाती है आटा तो उत्ता आदमी के हम खाना कहां से हाथ से सन के बनवई है अरे पगला कहां उतना आदमी है छे तो ए है अच्छा, और स्वामी जी हुआ बनो भाई बुझला हो हां आ कथी के तेल में छनवा कौन चीज का अरे सरसों के तेल में ना सरसों के तेल में तो है ना चर्बी आ गेल खिसे धिया पुता न भेले दरबारी ये भी तो बात सही बोल रही हो उ सब करबे जे न हो दे ना तो मटिया तेल तो बड़ा महंग हो गेल है हां डीजल में छान दे भाई ए पागल है अब तो सब पागल हो गई ठीक है जाओ छेवड़ानी के सतन को बुला के लाओ मैं खाना बना लिए हैं तो जाओ ना नीमक से जाओ नीमक धो दे लिए जा हां बना लिए बुलाइए ना केने गेल हो बरकी मलकी नी हो बरकी छोटी छपली मछली सगली बोले दरबारी अकाई जावा क्या खाना बन गया अले तन सौतन सुंदर भो जन मान सौतन है बरकी तू है रोबा चनिया है मझली तू है रोबा चनिया है सजली कराई दे भाई है सुंदर है वो जन्मों नरे दीदी खाना बना के ले आए लीजिए ना खा लीजिए ना
के छिनरी रे से काम न चले वाला है जनमान पर की है अरे बाप रे बाप रोके देखावे हमरा रोके ना देखाइए काहे लागिए मर जावरा आज लतियो ना रे अच्छोरी जाब देता है बरकी के जनमा हमरो के जनमा है मझली बाप रे बाप गोर लगे बच्चे भिख मंगा का बेटी नहीं जानली है भजना के हम हलियो नारे ए सौतन ससुरो बोले सौतन इसे कपड़ा भिजवाओ हाँ सौतन और कपड़ा भिजवा करके स्त्री करवा करके मैं छाओ सौतन पहन करके और हाजीपुर में क्या लगा है जानती हो आहे सौतन क्या है एक बात कहियो कपड़ा खींचना दे दा अपना के कल ले जाए के है ना सिनेमा देखे हाजीपुर थिएटर देखने जाना है हाजीपुर हाँ हुए चल आ दे दो एक कहियो बनिया से खींचला कपड़े ते छिनने के एक तो जे न करके से एक राय करब गे सुन ई साड़ी जे हम ना देखै छे मारे मोती लागल है ना चमचम चमकै छे तोर साड़ी से बड़ा बनिया हो ई ना एको गो मोती में के झड़ गेला तो तोरा देह के चमड़ा से सोह लेबो निमन से खींच कर ले सुन हम दे चुक सुन ई हमरा भाई दे लखन भाई दर के है ना हमर नहिरा में दुपट्टा बढ़िया से खींच के लाइए तो तोरा जे सीना जे हो सीना हड्डी निकलल तो तोरा फुला देव छिनरी दीदी इन्हें सुनिए ना मजली दीदी सामने आइए ना हाँ बोलो सुल्तान हम तो ये कहने चाहते जी हम तो इतनी पतली दुबली है और तुम क्या चीज खाती है इतना भैंसी हो गई है मैं क्या बताऊं आगे आगे तोरता बाप माय भिख मंगा रहोगे तो कहाँ से खिलाई तौरा आगे हमार बाप माय तो राजा महाराजा के घर के बेटी है देखे चुप ना लबर लबर कथी कर रहे एक से पहले कपड़ा ना खींचा पहले कपड़ा खींचा बात है मलकिनी जे पाँच दस उठा लग गया ठीक है मोटे इनका है कि फलेरिया के बीमारी मलकिनी की अरे काय बजा रे कथी बोला छी रे रे अचला दी से पिछता न सौतन है हा परो के सारिया न सौतन है बड़की
हाँ बोलो सतान। हाँ तोहरों का परवा है सजली। अच्छा हाँ सर बहुत अच्छी बात है। तोहरों का परवा है बहर खलिया ये बापची बाउनी ये ने सुना आए दिन ले बाहे ये ने सुन दीदी ये सुनना है ने गे है गे ईजे इन्ना इन्ना वाला चाल हाँ इजाया से अथिरा अथिमियाली है ना हाँ इचाल हाँ जब छोड़ लिए ना तो एक क्या चाटी में मुंह फाड़ दे वो दीदी सुनिए ना इसोनापुर में यंगाई ठी वाला चाल ना चलता निम्मस रह दीदी इधर सुनो ना तुम सठिया गुरखानी कर रही है उसी कारण तुम्हारे जैसे मैं पटोरी में देखी थी स्टेशन पर मांग रही थी तो इज्जत से बतिया ना तो हमरा तो चिल्ले ना हाँ बाहर खाल जाइए ना हम तो खिंचिए देंगे दरबारी मलकिनी हाँ उसे सिनेमा देखे जाती दरबारी वो लोग तो बोल रही है कि मैं जाऊंगी फिल्म देखने के लिए मुझे कपड़ा धोल चाहिए भाई सिनेमा देखवा दे फिल्म ना देखते हम बढ़िया सिनेमा दिखा देंगे ठीक है दरबारी चलो ना क्या करेंगे आ सुनो ना आ वो सब तो ऐसी है जो कपड़ा तो दे दिए हैं उन लोग को साबुन नहीं है वो लोग नहाते सुनाते नहीं है साबुन से क्या आ हमरा तो लाग रहा है वो सब नहाती नहीं है उसी कारण लोग को साबुन सर्फ नहीं है पास में खिची जवान आदे भाई दरबारी हो दरबारी ऐसी मत करो हम है ना तुम मत दुख झेलो झेलने के लिए हम तैयार हैं मछली के बतिया ये सतन बारकी के बतिया है सतन खिची देवा है सुंदर है का परवाना रे दरबारी तू मत खंगारो हम खंगारने के लिए तैयार हैं नहीं नहीं दरबारी देखो तू मत इतना कष्ट उठाओ हम है ना जल्दी करो लेट हो रही
करे सोर हो कानमा के चुमे कान बलिया छतिया मो आखिया के निरखेरे गजरा बिंदिया करे सोर सब के पहन ले कहिया हम देह से पहनते थे ठीक है दरबारी चलो यस दरबारी तनी आयरन करावे में तन विलंब हो गए लाई क्या कपड़ा खिंचाया लोहा धिकल रहा है लेकिन घर में सौदन का है लाओ जल्दी दो इधर साड़ी ऐ अपना अपना कपड़ा लो देखो तो कपड़ा मजली ये तो तुम्हारी नैहर कुछ छेद है हम कहाँ छेद किए हम तो तुम्हारी नैहर से साड़ी ऐसी आई है गोली के सामनबा है सातन गोली के सामनबा है सातन काहे बोलना है बोलिया है आज वो बलि हो डारे मेरो फिर बोले है है
काहे दीदी गलतिया हमरा के करबे कला हमरा के करबे कैला काहे मारे चाहे हमरो के तू जन्म ना रे सुनो हाँ दीदी तू महल में जा रही हो हम लोग जा रहे हैं और स्वामी जी से एक शब्द शिकायत नहीं करना नहीं, नहीं, अगर शिकायत करेगी तो जानती हो मैं 600 तन शीशा को तोड़ती हूँ तेल लगा करके मैं वैसे मैं तुम्हें भी तोड़ डालूंगी नहीं नहीं दीदी मैं ऐसे नहीं बोलूंगी अपने स्वामी जी को काहे शिकायत करूंगी मैं ठीक है चलो चलो हम लोग चलो ठीक है जाओ दरबारी क्या करें आप तो देख रहे हैं मेरा कैसा हालत कर रखे हैं लोग आबे न दर मालिक के हम सब बात कहबे नहीं नहीं दरबारी नहीं कहना ये सब कहने वाला बात है नहीं अपना घर क्या इज्जत अपना घर में रहेगा ठीक है मारा छुन तोरा चोट लगाई जन हमरा दरबारी क्या करिएगा जो नसीब में होगा वही ना होगा दरबारी तुम टेंशन मत लो ठीक है ओ भगवान अगर होगी हम पिसाए तो सारा चीज भगवान जना हमरा मलकिनी के मारे छे छ मुटकी ना ओकरा पिलुआ फोड़ दिया देता गो आ काहे लागे आ कैला नसन हो कर छई हो छो सौ तीन गाना जनियो मरे मीना ये ते चावा चानला हो सामी सादिया हो नहीं हो करता सादिया हो नहीं हो करता रहला कैसन हो चाओ माँ रनियो नारे मेहरानी आखिर बात क्या है मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें किसी तरह की दिक्कत है काहे बैठल बारू मना मामारी काहे बैठल बारू मना मामारी आरी कबन पार दे सिया के लाल What?
कहे बैठल बारू मनवा मारी कहे बैठल बारू ऐसी कौन सी बात है, क्या तकलीफ है ए झरोखा पर बैठकर और तू अपनी आंखों से आंसू गिरा रही हो, क्या किसी तरह की मुसीबत है? ये 600 तन मिलकर किसी तरह की मुसीबत दी है, बताओ। अभारे जवा अकेला कायना सामियो हालत तू जनबे हालत तू जनबे हो कैल नहीं करता हो
बदल की चाप खींच लूंगा। सब दुनिया नशा सुंदरी दिल में है धीरे जवाहरानी, दिल में है धीरे जवाहरानी, नहीं छोड़ भाई छाओ कर मेहरानी। घर बनाने की कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसी मुसीबत दी है, तुम्हें मार कर बर्बाद कर दी है, तो मैं छोक महरानी को बुलाकर तुम्हारी नजरों के सामने ऐसे करी की करी सजा दूंगा ताकि सारी दुनिया देखते रह जाएगी। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसे मत कीजिए। क्यों नहीं? आप तो जान रही थी कि मेरे छेव माल में रानी है। हाँ तो फिर इतना मुझे से शादी क्यों की? मुझे गंजन कराने के लिए यहाँ ले? जिस तरह से छेव महरानी मेरे घर में रहती है उसी तरह तुम भी हो, हमारी छोटी महरानी है ना। और अगर तुम्हें किसी तरह की दिक्कत देगी तो मैं क्या उसे छोड़ दूंगा? मैं इतना मार मारूंगा कि सारी बदल को चम उठा लूंगा। नहीं नहीं स्वाम जी, ऐसे मत कीजिए, क्या कि सभी तू अपने है, किसको मारिएगा और किसको छोड़िएगा? ये हो भात दाल सब्जी बनने से खिया का छोटकी मलकी के। अच्छा ऐसने न लात मार के कि सब उल्टी कह दे लिखी। हे बेहुदा गई, इतना ही में सही करने वाला है। हरमजादा कोई भी बात सच नहीं बोलता है, तू नौकर हो ना रे। देखो तो देखो तो कुत्ता जुठा दल के जन कि हम फेंक दिलिए। हरमजादा गई प्रिय, अब किसी तरह की मुसीबत आएगी फौरन हमें खबर मिलनी चाहिए। स्वामी जी सुनिए, जो हो गया होने दीजिए, जिस कारण हमसे शादी किए हुए हैं। अच्छा वो तो मुझे चाहिए ना, और तुम भी को भी चाहिए। तू कहना क्या चाहती हो? मैं जानना चाहता हूँ, बोलो। अकारी जावा अले हमरा साथ कहबर बन सामी हो, ये स्वामी तुहरा के मेटबे ये करते यार, तुम्हें शौक है
पति के साथ मैं कोहर करूं। तू हरा के मेटबे है करते खिलाई लेता है सुंदर गोदी धरहू है सुंदरी। हाँ स्वामी जी। दिल में भी इरी जवाहरानी, दिल में इरी जवाहरानी पूरा होए तई मन के यारा मन मोन में मेहरानी। हाँ स्वामी जी। तुम्हें शौक है कि मैंने शादी करके सोनापुर शहर में आया, पति के साथ कभी मिला नहीं, आज कोहबर की दिन है तो ठीक है, अगर तुम्हारी दिल में ऐसी तमन्ना लगी हुई है तो मिटा लो। दरबारी इधर आओ ना, सुनो जो हुआ तो हुआ, आप पिछला बात को छोड़िए और अगला बात में आइए। एली जो मुझे बहुत शक है, शादी करके जब से लाए हैं स्वामी जी मुझे दिल को तमन्ना भी नहीं मिटे, उसी कारण तुम जाओ और जल्दी से सेज लगा दो। क्या फूल बंगाल से? तो जल्दी लगाओ ना, सोना है हमको। आए है पूरा जवान, आए है करबाई है सुंदरी। हाँ स्वामी जी। आए है दिल के हैरानी जबई करबई हैरानिया, आज जबई करबई है सुंदरी, तोहरा है संग को जबई करबई हैरानिया। क्यों नहीं स्वामी? आ पूरी जबई करबई हैरानिया, आ दिल के हैरानिया बिछावन पर जा रहा हूं, और कुछ गर्म गर्म नाश्ता ले आओ और बैठकर
आज ऐश मनाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, आप बैठिए ना। अरे जब से नैना लरल अब आगे बढ़ल, जब से नैना लरल बाती आगे बढ़ल, रोज अखिया रहे इंतजार में, दिल भोइल दीवाना दिल भोइल दीवाना तोहरा प्यार। जब से नैना लरल पाती आगे बढ़ल, रोज अखिया रही इंतजार में, दिल भाइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाइल दीवाना तोरा प्यार। ओ कैली सुकुरिया वो भगवान से के बनैले बारी का बलवाती सन, ओ कैली सुकुरिया यो भगवान से तोहके बनौले बारी का बलवाती सन। क्यों नहीं समझी चंद सूरज लजाल, रुपया सन बुझल चंद सूरज लग, जैसे चंदा उगल यशमान में, दिल भाइल दीवाना तोहरा प्यार में, स्वामी जी अब सोइए ना, हम सोएंगे बाद में। दिल्ली में तुम्हें बिठा के कर लूंगे बंद आके पूजा, मैंने तुमको